चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में चिकन काली मिर्च बना रही हूँ। इसके लिए मैं हाफ के जी चिकन ली हूँ और इसमें मैं काली मिर्च 1 चम्मच कुटी हुई है, ये दरदरी कूट के मैं रखती हूँ वो डालती हूँ। 1/2 टीस्पून अदरक, 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाली हूँ और इसे मैं, और नेक्स्ट मैं इसमें 1/2 कप दही डालती हूँ। मैं सब कुछ इसमें डाल दी हूँ। मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ी सी लहसुन, अदरक डाल दी हूँ मैं, और ये प्याज और हरी मिर्च कटी हुई मैं डाल के इसे 2 मिनट सौते करूँगी और इसके फिर मैं 1 चम्मच पानी डाल देती हूँ। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसे, बस इसे सौते करना है और इसमें मैं थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ। ये देखिए हमारा प्याज सौते हो गया है, हरी मिर्च मैं 4 डाली, थोड़ी सी लहसुन और थोड़ी सी अदरक और 1 बड़ा चम्मच काजू डाल के मैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। और अब मैं इसमें अपने चिकन को तो गाइस ये देखिए अब मैं एक पैन चढ़ा दी हूँ, इस पे मैं घी और बटर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें बटर भी डाली हूँ, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी लहसुन। और 1/2 टीस्पून काली मिर्च, यही मैं इसमें डाल दी हूँ। 2 मिनट मैं इसे कर रही हूँ और नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पर हमारा मेरिनेट चिकन है इसे डाल दूँ। गाइस ये देखिए हमारा मेरिनेट चिकन भी भून चुका है। अब नेक्स्ट मैं इसमें ये प्याज वाले पेस्ट, प्याज काजू हरी मिर्च का पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। इसे भी मैं 5 मिनट भून देती हूँ। देखिए सारा तेल जो हमारा है वो रिलीज हो गया है और नेक्स्ट मैं इसमें 1 चम्मच ये घर की क्रीम है वो मैं डालती हूँ, चाहे तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। सारा हमारा भून चुका है, अब मैं ये पानी को इसमें डाल देती हूँ सारे को। थोड़ी सी मैं ऊपर से गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी नमक मैं और डाल देती हूँ। ये थोड़ी सी मैं चीनी डाल दी हूँ ताकि हमारा जो मैं जो इसमें दही डाली हूँ वो सब बैलेंस हो जाए। और अब मैं इसे ढक के तब मैं इसे फुल फ्लेम पे ढक के 10 मिनट पकने देती हूँ।
तो गाइस ये देखिए 10 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कितना मस्त कितना यमी हमारा ये चिकन काली मिर्च बनके तैयार हुआ है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं ज़रूर से कि हमारी ये चिकन काली मिर्च की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो काली मिर्च है तो ऑब्वियस है कि इसमें काली मिर्च अच्छे से जाएगा। ये मैं दरदरी कूटी हुई काली मिर्च डाली हूँ और ऊपर से घी 1 चम्मच और नेक्स्ट मैं इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ता से इसकी गार्निश कर दी हूँ। फ्रेंड बहुत आसान है इसे भी बनाना, तो आप अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। घर में रहे, सुरक्षित रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें। और तो देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैं इसे आज बनाई हूँ, तो आप भी अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। और इसे मैं आज सर्व करूँगी, ये मैं पराठे बनाई हूँ पराठे के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।